दीदी के बारे में ब्रीफली रख देती हूँ। वैसे हम सभी परिचित हैं आप राजिता दीदी को से, और हम दीदी को वर्कशॉप में सुनते रहते हैं। तो दीदी 2008 से सहायक प्रोफेसर के पद पर ठाकुर ग्रुप में काम कर रही हैं, एमसीए डिपार्टमेंट में। दीदी ने पहला वर्कशॉप यूएचवी का मई 2020 में किया, और जनवरी 2021 से दीदी मॉर्निंग सेशन में जुड़ी हुई हैं। दीदी कई सारी एक्टिविटीज़ में भागीदारी कर रही हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग का ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन है दीदी देखती हैं। मॉर्निंग सेशन में भी दीदी अपनी भागीदारी दे रही हैं। न्यूज़लेटर, हेल्थ ग्रुप, इस तरह कई सारी एक्टिविटीज़ और वर्कशॉप में हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्कशॉप में कंटेंट को शेयर करना, तो कई सारी एक्टिविटीज़ में दीदी हैं। बाकी दीदी बताएंगी। जी नमस्ते अपराजिता दीदी। जी दीदी नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। मैं आपकी शेयरिंग को आज रखती हूँ। आज जैसे दीदी ने ऑलरेडी मेरा परिचय तो दे ही दिया है, तो मैं यूएचवी के जो प्रस्ताव है वो 2020 ऑनलाइन में सुन के उनको जांच परख करने का जो प्रोसेस है उसे शुरू किया। और ज़्यादा तो मैं खुद देख पाती हूँ कि ये जो मॉर्निंग सेशन है जो मैं 2021 जनवरी से लगातार सुन रही हूँ, तो सुन रही हूँ थोड़ा बहुत जांच परख के उसे अपने जीवन में उतार भी पा रही हूँ। तो कभी कभी मेरी सिस्टर जैसे मुझे कहती है कि इतना क्या सुनना हो रहा है कि मतलब एक बार में समझ में नहीं आ रहा कितनी बार सुनना होती है कोई चीज़ से। तो सुनना ही हो रहा है, उसको समझना तो धीरे धीरे ही होगा जैसे जैसे चलना होगा समझने की प्रक्रिया। तो बहुत बहुत उपकार है ये मॉर्निंग सेशन का, प्रस्तावों से जुड़े रखते हैं और अपने आप में सेल्फ एक्सप्लोर करते रहे। और इसमें ये है कि तो जो पहला स्टेप जो है एक्सरसाइज 1 का स्वयं द्वारा स्वयं को देखना, तो कि भाई बैठ के ही जब मैं देखने का प्रयास करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये देखना निरंतर नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि भाई उसी कुछ विचार देखा और उसी के साथ फिर उसके आगे की बात, जैसे बैठे हैं ज्यादातर बैठे हैं तो ये ध्यान आ जाता है अरे कुछ खाना बनाना है, ये सब्जी बनानी है, तो आगे से आगे आगे पहुंच जाती है बात, फिर ध्यान आता नहीं तो ऑब्जर्व करना था मुझे। और तो ये ऑब्जर्वेशन मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। और जैसे कि जीवन में हम 24 घंटे जब रहते हैं तो ध्यान जाना तो ये जरूर है कि बहुत सारा यूएचवी के कंटेंट से जुड़े रहते हैं, तो ये बार बार में जो रिपीटिशन हो जाता है ध्यान का मॉर्निंग सेशन में भी, तो हर पल हर क्षण ध्यान देने का प्रयास होता है। मगर ये तो पूरे समय बना नहीं रहता, मगर बीच बीच में ध्यान आता रहता है कि क्या चल रहा है अंदर में। पर जब मैं देखती हूँ बैठ के भी अगर देखना हो तो बहुत समय तक मैं उस पर टिक नहीं पाती हूँ ऑब्जर्वेशन पर ही, क्योंकि बहुत सारे विचारों में ही बहना होता है। मुझे लगता है ये पहला जो स्टेप है वो कि काफी काफी डिफिकल्ट है, उसी काफी ड्रिफ्ट करने लगते हो, ऑब्जर्व नहीं करती रहती मैं, ये देख पाती हूँ। तो ये काफी महत्वपूर्ण स्टेप लगता है, बिना मूल्यांकन बिना प्रतिक्रिया के उसको देखना, फिर रोकना होता है, कई बार विचारों में बह जाना होता है, फिर ध्यान आता है तो रुक रुक जाते हैं और वापस ऑब्जर्वेशन को चलाना, जैसा है वैसे ही देखना। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है और बड़ा मुश्किल मुझे मालूम होता है। एक बार भी एक प्रयास किया मैंने कि काउंट करते हैं, मतलब ध्यान देते हुए कि चलो मैं काउंट करती हूँ कब तक ना ध्यान बना रहता है, और देखते हैं कि कब मैं भूल ही गई कि मैं कौन से नंबर पर थी,
ऑल दैट, तो लगता है कि ये बहुत मुश्किल कार्यक्रम है। विचारों को ही ज्यादातर देखना हो पाता है, बहुत कमी कभी कभी भाव तक पहुंच पाती हूँ। बहुत सारी प्रतिक्रिया होती रहती है और जस्टिफाई करती रहती हूँ ये बात, ये जो विचार चला क्यों चला, अभी मुझे कुछ खाना बनाना है इसका विचार चला, अरे हाँ टाइम समय नहीं है, ऑल दैट। हाँ मतलब उसको जस्टिफाई करने में देखती हूँ कि बहुत समय उसी में चला जा रहा है, क्यों ये विचार आया, क्यों ये भाव आ गया। अभी किसी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत भाव आता है तो ज्यादा समझ में आता, विरोध का भाव आता है तो फिर ये क्यों आया, इसलिए आया, उसमें उसमें से ज्यादा समय मेरा चला जाता है। तो सिर्फ पहला स्टेप जो है, सिर्फ बिना मूल्यांकन बिना कोई प्रतिक्रिया किए देखना, ये काफी इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिस पर ही मुझे बहुत सारा काम करना है। और अभी इसको इतना महत्वपूर्ण मैंने नहीं समझा है, अभी प्रायोरिटीज कुछ बहुत ज्यादा और बनी हुई है ऐसा लगता है, ये बनी नहीं है प्रायोरिटी उतनी मेरी, जबकि देखो तो आराम में तो इसी से रह पाएंगे और दूसरा कोई कार्यक्रम हो भी नहीं सकता। दूसरे स्टेप को हम देखते हैं, इस क्षण में जो भाव विचार चल रहा है वो सहज है, ये मेरे लिए सहज है या नहीं, भाव के अनुरूप है या नहीं, इसको बनाए रखना चाहती हूँ क्या। तो जैसे कोई भी ड्राइव कर रही हो, कोई एकदम से सामने से कट करके चला गया, एकदम से भाव को देखा मैंने कि ये क्या है, तब इतना विरोध का भाव आ रहा है, क्या मैं इसको बनाए रखना चाहती हूँ। व्यक्ति तो मैं जानती भी नहीं हूँ चला गया, उसके लिए इतना विरोध मुझ में क्यों आ रहा है। किसी ने कुछ काम दिया मैंने उसको, उसने काम नहीं किया है, बस तो एक विरोध का भाव, ये करना नहीं चाहता था। अब ये जो भाव है ये कितना असहज कर रहा है मुझे, क्या मैं इसमें रहना चाहती हूँ, ये अपने आप से पूछती हूँ। भाव पर जान जाता है, चाहती हूँ क्या नहीं, इस पर ध्यान जाता है। अरे अगला व्यक्ति नहीं कर पाया होगा ना, कारण होगा कोई, मेरी अपेक्षा अनुसार चीज नहीं हो रही बात, तो मैं मेरे भाव बिगड़ रहा है यहाँ, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैंने ही तो उस व्यक्ति को जो काम दिया था क्लियरली बताया नहीं था, क्लियर बताया नहीं था इसलिए किया नहीं उस व्यक्ति ने, ये सब विचारों में चलाना, फिर भाव को ठीक कर लेना, फिर अगला व्यक्ति जब समक्ष आता है तो उसको संबंध के भाव के साथ उसके साथ प्रस्तुत होना, क्योंकि ये सब जो भाव जो चल रहे हैं मुझ में विरोध के, ये तो मैं चलाना नहीं चाहती इस भाव को, और इसमें आराम में भी नहीं हूँ मैं। तो अभी सीधा सीधा उस अगले से संबंध पहले से ही दिखा नहीं है, इसलिए विरोध का भाव आता है, तो उसको सेट करना, पहले विचारों में बात को चलाना, फिर भाव को करेक्ट कर लेना, और अगले व्यक्ति से फिर जाके बात को रखना, भाव को संबंध के भाव के से। क्योंकि ये जो तीसरा स्टेप है ना, ये मैं आराम में हूँ या परेशान हूँ, ये बात को देखना है इस थर्ड स्टेप में। जब भी सहज स्वीकृत भाव मुझ में होता है, मैं आराम की स्थिति में रहती हूँ, ये मैं देख पाती हूँ और इसी को बनाए रखना चाहती हूँ, मगर हर पल ये संबंध मुझे दिखता हो ऐसा नहीं लगता हूँ। अब ये निर्णय कौन ले रहा है, चौथे स्टेप में देखें तो निर्णय कौन ले रहा है, ये हर की परिस्थिति या दूसरा कोई व्यक्ति है ये निर्णय ले रहा है मुझ में क्या चलना है उसको लेकर। तो कई बार देखती हूँ बाहर की परिस्थिति, ये जो लिफ्ट है ये लिफ्ट इतनी देर से क्यों आ रही है, अभी कितना विरोध एक वस्तु के प्रति भी, ये पीसी को अभी शट डाउन होना था, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, आज ही इंटरनेट नहीं आना था, यहाँ तक कि कभी कभी ये कॉलेज में जब पानी बॉटल में पानी भरते हैं तो पानी कितना धीरे आ रहा है, जल्दी क्यों नहीं भर सकता, कितना विरोध मुझे, मैं कई बार देखती हूँ कि वस्तु को लेकर परिस्थिति जो बनी हुई है उसको लेकर कितना विरोध है। तो ये अगला व्यक्ति, तो एक बार ये अगला व्यक्ति मुझे परेशान करना चाहता है, ये इसलिए काम नहीं कर रहा, मैं जो
अपने आप में चला रही हूँ, उस कारण परेशान हो रही हूँ। यही ये व्यक्ति मुझे परेशान करना चाहता है। ये निर्णय कौन ले रहा है? ये निर्णय क्या परिस्थिति ले रही है, दूसरा व्यक्ति ले रहा है, कि मैंने इसको मतलब ना ये सब मतलब मैंने ही निकाला है इसका। जैसे कोई भी व्यक्ति आया सामने से कॉलेज में भी ना, कि कोई पूछने आया व्यक्ति कुछ काम से, पहले से ही विचार आ जाता है कि ये व्यक्ति करना नहीं चाहता तो कोई बहाना लेके ही बंदा आया होगा। अब उसी क्षण ध्यान आता है कि क्या चल रहा है, ये कुछ सहज है क्या ये? और इस कारण से मैंने देखा कई बार अगला व्यक्ति जो बात कर रहा है उसको मैंने सही से सुना नहीं, पहले से ही इरिटेशन आ रहा है। मैं आराम में हूँ या परेशान हूँ? इतनी परेशान हूं मैं, ये व्यक्ति जो बोल, और कई बार जब सही सही सुनते हैं तो वो व्यक्ति ने कुछ कोई ऐसी बात नहीं, वो समझना चाह रहा था कि ये बात काम करना कैसे है, मुझ में कौन सा भाव चले, इसका निर्णय मैं स्वयं लेती हूँ, मैं ही तो जिम्मेदार हूँ मेरे सुख दुख की। क्योंकि अगर जैसे भैया ने इस बार सेशन में, हर बार कहते हैं तो इस बार ध्यान ज्यादा गया, कि अगर शिकायत बनी हुई है तो मुझ में अभी ये दिखा नहीं है कि निर्णय मैं ही लेती हूँ। अगर दूसरा दूसरे के लिए शिकायत बनी रहती है तो ये बात कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है मेरे लिए। तो ये बैच 8 में, ऐसे तो कई बैचेस में भैया बात तो यही कह रहे थे, मगर किसी कभी बात हमारी स्थिति भी ऐसी होती है, मैं अपनी स्थिति की बात, मेरी स्थिति भी ऐसी होती है कि मैं उस बात को जैसे जैसे कहा जा रहा है उसको वैसे सुनना। तो इसी तरह से अगले व्यक्ति जो काम के टेबल पर आया है कुछ काम के लिए, तो पहले से एक अपने आप में एक भाव बन गया और वो सहज नहीं है। और निर्णय किसने लिया इसका? निर्णय तो मैं ही ले रही हूँ। तो मैं ये दुखी होने का, जो ये दुखी हो रही हूँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये आधार क्या है, आधार क्या है इस निर्णय का? 5वें स्टेप में है हम लोग हैं, तो ये सभी लोग ऐसे ही होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग नैक का काम कर रहे थे, तो कई बार ऐसा होता था कि एडमिन स्टाफ से बहुत सारा काम कराना है, ये ऐसे ही होते हैं, काम नहीं करना चाहते, ये मान्यता बनी। और उसके कारण कौन परेशान हो रहा है? ये निर्णय लेने का आधार ये है, मान्यता है कि समझ है कि अगले की कॉम्पिटेंस स्किल को लेकर कम हो सकती है, मैं मेरी कॉम्पिटेंस ज्यादा होनी चाहिए, और मैं देखूं कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो सकती हूँ, अगले से के साथ पूरक कैसे हो सकती हूँ। इस भाव के साथ क्या मैं व्यक्ति को मान्यता के फिल्टर से देख रही हूँ कि जैसा है वैसे देख रही हूँ? अगर जैसा है वैसे देखूं तो कई बार दिखता है कि अगले की कॉम्पिटेंस बहुत कई बार ज्यादा ही होती है मुझसे। वो आराम से बात करने आया था, समझने आया था, और मैं अगर नहीं भी हूँ ना, अगर कुछ इरिटेशन दिख भी रहा है अगले को, मगर फिर भी वो आराम से ही बात कर रहा। तो मान्यताओं के तहत जब भी जब वो ही बैकग्राउंड में होती है, तो हम कुछ भी, मैंने देखा कि मैं पहले से ही कुछ बना लिया मैंने अपने आप में, जैसा है वैसा उस व्यक्ति को देख नहीं पा रही। कौन सा भाव मेरे लिए सहज है? संबंध का, व्यवस्था का, अस्तित्व का, विरोध का, अव्यवस्था का, संघर्ष का? तो देखते हैं कि संबंध का भाव ही मेरे लिए सहज है, क्योंकि उस जब जब वो भाव होता है तभी मैं आराम में होती हूँ। अगले को आराम तो बाद में पहुंचाऊंगी, पहले तो मैं ही आराम में आ जाती हूँ। जब मैं आराम में आ जाती हूँ तो अगले को व्यक्ति जैसा है वैसे उस बात को समझ पाती हूँ, और वो भी मैं देखती हूँ कि वो आराम में व्यक्ति आता है, और जो काम करना होता है उसको काम भी हो पाता है। जैसे बैच में मैंने सुना कि भैया कह रहे हैं अल्टीमेटली नियम को एग्जिस्टेंस है, जैसा है वैसे दिख जाए। अभी एक्सपेक्टेशन का अभ्यास जो कह रहा है उसको देख पा रहे हैं कि मतलब इस एक्सपेक्टेशन के तहत ही जीना हो रहा है। मैंने कुछ कहा और अगला समझ ही जाएगा, ऐसा नहीं है ना। नियम क्या है कि उसे दिखेगा, दिख जाएगा जब, तो वो समझ जाएगा।
सेवेंथ स्टेप में मैं सुनिश्चित करता हूँ कि इस क्षण मेरे भाव इस संबंध व्यवस्था से चित्त के अर्थ में है क्या नहीं था। संबंध यही जो नियम है मुझे समझना होगा, और इससे ही मैं मुझ में ही जो ये निरंतर सुख का जो जो मेरी चाहना है वहां तक पहुंचना होगा, तभी निरंतर सुख में जीना हो पाएगा। इसीलिए इसको पूरी पूरी समग्र वस्तु को समझना होगा, उसके तहत जीना होगा। जैसे कि इस सेशन में मैंने सुना कि बहुत अच्छे से भैया ने तो हर सेशन में कहते रहते हैं कि सुख पाना नहीं है, सुखी तो होना है। स्ट्राइक हुआ कि हाँ, ये सुख पाने का जो कार्यक्रम बना हुआ है पूरा, सुखी तो होना है। सुख स्वभाव है या प्रभाव है, एक भी प्रभाव नहीं, इसकी स्पष्टता धीरे धीरे ही हो पाएगी। ये दुखता है तो इस बारे पूरी की पूरी वस्तु को समझना है, ये जरूरी है, यही कार्यक्रम है मेरा। काफी कुछ मन बनता जा रहा है ये देख पा रहे। हाँ, दूसरा स्टेप को अभ्यास दो को देखें कि मैं और शरीर के बीच में होने वाले आदान प्रदान को देखना। तो मैं चैतन्य हूँ और शरीर एक जड़ जड़ का ही है, ये बात लॉजिकली ही समझ में आ रही है। ऐसे जो दिखने में तो विचार दिख रहा है, भाव दिख रहा है अपने संस्कारों तक, क्यों ये पर्टिकुलर ये आधार क्या है, कुछ गहरे संस्कार है ये व्यक्ति को ना, जब तक जोर से बोला ना जाए सुनता नहीं है व्यक्ति। काम कराना है किसी से तो उसको थोड़ा सा स्टर्न होके ही बात करनी होगी, ये सब बड़े संस्कार बने हुए हैं। अभी तो ये बात दिख नहीं रही है कि अगले व्यक्ति को भी मैं इस तरह से देख पाऊँ कि जब वो आ रहा है व्यक्ति तो वो शरीर नहीं है, वो एक चैतन्य इकाई है, मैं भी चैतन्य हूँ। इंटरेक्शन में इस तरह से क्लैरिटी हो गई हो समझ में। अगर हाँ, ये बात को समझना है, इस अभी योग्यता को बढ़ाना है, ये ध्यान जरूर आ रहा है। मैं और शरीर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरे स्टेप में अगर हम देखें तो हाँ, हर बात इंद्रियां तो मुझ तक सूचना पहुंचा रही हैं, मगर ये जो मतलब मैं दे रही हूँ ये तो मैं ही दे रही हूँ उसका मतलब जरूर, और मैं मजबूर नहीं हूँ इसको इसको और टू गिव इन टू दिस सेंसेशन। ये तो कई बार दिखता है, कई बार नहीं भी, क्योंकि तो मैं देखती हूँ कि मैं शाम में से मैंने कुछ कार्यक्रम भी इस तरह से बनाया कि भी बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही है तो मैंने कुछ भी खा लेना, फिर तो ये नहीं देखना कि ये जो शरीर साधन है इसको इसका इसकी जिम्मेदारी मेरी ही है कि ना बना रहे हैं। सूचना आ रही है, हंगर की, भूख की आ रही है, तो क्या मैं क्या मुझे इसको आई हैव टू गिव इन टू इट ओनली। तो ये देखिए ये बड़ा गहरा है मेरे में, मैं बहुत ज्यादा मेरा इनटेक नहीं है, मगर जब मुझे भूख लगती है तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर खाना ही होता है, और उस तरह से मैं अपने आप को इस भाव संयम के भाव को बहुत ज्यादा देख नहीं पाते। जैसे कि इस सेशन में भैया ने कई बार बताया संयम का भाव नहीं है, मतलब अगर नहीं मतलब ये दिख नहीं पा रहा है मुझे क्लियरली, क्योंकि इस तरह से मतलब हम भुगतते हैं चीजों को ना, जब गड़बड़ हो जाता है शरीर में तभी हम उसको करेक्शन करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि संयम के भाव के साथ करेक्शन कर रहे हैं, मगर उस जब लगता है कि ये चीज हजम नहीं हुई ना और तबीयत गड़बड़ हो गई तो अब करेक्शन करना है इस तरह से। तो भी बहुत क्लियरली इस बात को देख पाऊँ देखना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, पर हाँ मुझ में और शरीर में अंतर है, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, और हर बार तो मैं आई डू नॉट गिव इन टू द सेंसेशन, मैं जब महत्वपूर्ण मानती हूँ तभी उसको सेंसेशन आई गिव इन टू इट। अगर लेकिन कुछ देख भी रही हूँ तो जो जो चीज इम्पोर्टेंट लग रही है मुझे उस पर ही ध्यान जा रहा है मेरा, तो मैं ही निर्णय ले रही हूँ इसमें। सूचनाएं तो आ रही,
मैं संवेदनाओं को हमेशा नहीं पढ़ती, लेकिन जब मुझे ये सब महत्वपूर्ण लगती है तब मैं पढ़ती हूँ। हालांकि मैं कुछ देख रही हूँ, लेकिन केवल कुछ ही हिस्से से, पूरा का पूरा जैसे स्क्रीन नजर आ रहा है, मेरे कोई शब्दों पर ही मेरा ध्यान जा रहा है। इस तरह से कई ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, मगर खुशी ध्वनियों को मैं सुन रही हूँ, जैसे चिड़ियों की आवाज मुझे आ रही है, और बाकी शोर भी बहुत सुनाई दिख रहा है। अभी ध्यान दे रही हूँ तो दिख सुनाई दे रहा है, बाकी तो ध्यान नहीं है। मैं बात कर रही हूँ तो भी सर ध्यान नहीं जा रहा है। तो मुझ में और संवेदनाओं के बीच में दूरी है, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। यदि दूरी नहीं होती तो शायद उसको पढ़ना की चॉइस नहीं होती शायद मेरे पास। तो इस तरह से तार्किक तौर पर मैं देखती हूँ कि शायद ये दूरी है, इस निष्कर्ष पर मैं आ पाती हूँ। मगर ये जरूर है कि संवेदना तो मैं नहीं हूँ, जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, जैसे कि मेरे पैर हाथ ना, ये सब मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस बदलते शरीर को देख रही हूँ। मैं छोटी सी थी, अब बड़ी हो गई, और अब काफी उम्र हो गई, मैं देखती हूँ शरीर तो बदल रहा है, और मैं इस सब की ना, मैंने इन सबको बदलते हुए इसको देखा, तो मैं निरंतर बनी हुई इस। मैं सभी संवेदनाओं को लेने के लिए मजबूर नहीं हूँ, केवल जब मैं महत्वपूर्ण समझती हूँ तभी देती हूँ। आई एम नॉट लाचार नहीं हूँ कि हर बात को मैं लाचार नहीं हूँ। ये बात सोचकर बड़ा ऐसा लगता है कि बड़ी पागल सी बात है कि मैं लाचार नहीं हूँ, जैसे जीना है हो रहा है ऐसा ही है, और फिर मैं अगले को उम्मीद देती रहती हूँ ना, जैसे कि अभी कुछ खाना खा लिया, गड़बड़ हो ही गया, पेट गड़बड़ हो गया, तबीयत गड़बड़ हो गई, तो मैं लाचार नहीं, मैं ही तो जिम्मेदार हूँ ना, मैं जिम्मेदार हूँ। बाकी ये तो है कि ये जड़ है, इसका अपने नियम है, इसके अपने कि भी अपन पेड़ लगाते हैं और बीज बोते हैं, वो अपने नियम अनुसार ही बड़ा होगा। तो अब जो नियम है उस हिसाब से ही शरीर में भी क्रियाएं हो रही है। मुझे क्या मतलब देना है, जैसे कि सर दर्द हो रहा है तो मैं ऐसे बहुत जल्दी से कोई दवाई खा लेना ऐसा नहीं होता। मैं देखती हूँ कि क्या कारण होगा, ये सर दर्द हो रहा है तो क्या मैं नींद नहीं हो सकती, या पूरी हुई हो, या मैं थोड़ा स्टीम लेकर भी ठीक कर सकती थी क्या, है ना। तो ऐसे बहुत ज्यादा जल्दी से दवाई ले लेना, ऐसा तो खैर मेरे पहले से भी थोड़ा नहीं था इस तरह से संस्कार। तो मैं पढ़ सकती हूँ, और मैं इस क्या डिसीजन मुझे लेना है उस हिसाब से मैं डिसीजन ले सकती हूँ। कई बार तो ये होता है, और कुछ चीजों में जैसे कि मैं सर दर्द है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर मुझे खाना खाना है, बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैं फिर रुक रुक नहीं पाती उस जगह पर, कोई जंक फूड खा ही लेती हूँ, फिर मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है, तो वहां मैं देख नहीं पाती। तो बाहर परिस्थिति का शरीर पर प्रभाव, मेरा जो निर्वाह है इसको देखने जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कई बार मैं इसको क्लियरली नहीं देख पा रही, अभी बहुत मेरे को क्लियरली देखना है, बात को समझना है। मेरा होना शून्य के अस्तित्व में बना हुआ है, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ, शरीर का होना ही शून्य के अस्तित्व में बना हुआ है। ये चीज तो मेरे को लगता है कि अभी समझने में बहुत समय लगेगा, सूचना अवधारणा मात्र है मेरे लिए, अभी तो मैंने स्वीकार ही कर लिया है। मगर बात देखें तो हर चीज शून्य में बनी हुई है, संबंध बना हुआ है एक दूसरी इकाई के साथ। ये विचार भी बड़ा ही सुंदर विचार लगता है, तभी तो बहुत काम करना बाकी है मेरा। इसके साथ अब कमिटमेंट को देखूं तो बड़ी व्यवस्था में भागीदार होना ही छोटी इकाई की सार्थकता है। ये बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे, कि वरना मेरा ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं हम, है ना। जहाँ भी से ये अच्छी ये बात है कि जो मौका घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से दे पा रहे हैं, तो बड़ा ही तृप्ति तृप्ति होती है कि कोई कहीं कुछ तो अपना सेवा कर रहे हैं। क्योंकि ये परिवर्तन जो है, ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो सामाजिक परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं, थोड़ा भी जो भी योगदान देता है,
छोटे से छोटा योगदान भी बहुत बड़े मतलब किसी बड़े योगदान में भागीदार हो ही सकता है। तो ये अवसर है मुझे लगता है मुझे मिल जहाँ जब जब मुझे मिला है तो मैं जहाँ जो भी कोशिश कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। और मैं देखती हूँ जैसे जैसे भागीदारी कर रही हूँ वैसे वैसे कुछ और समझने का भी प्रयास मैं भी करती हूँ। तो सभी का धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए, और दीदी और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो काफी समय लगाते हैं हम लोग के समक्ष इन प्रस्तावों को दोबारा दोबारा रखने का। सभी के प्रश्नों से बहुत ज्यादा लाभान्वित होती हूँ मुझे लगता है। मैं खुद को बहुत कम प्रश्न करती हूँ, मैं देखती हूँ कि सब प्रश्न करने वालों से इतना ध्यान चला जाता है तो उनके भी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए मुझे। जी दीदी इतनी बात मुझे कहने अभी हम कुमार भैया को आमंत्रित करते हैं। की। कुमार भैया नमस्ते। तो मैं कह रहा था बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रही दीदी, बहुत ही उम्दा। और मैं तो कहूँगा कि आपने पिछली बार जो शेयरिंग की थी और इस बार जो शेयरिंग की है, इन दोनों की रिकॉर्डिंग आप स्वयं सुने तो आप खुद में भी देख पाएंगी कि कितना परिवर्तन हो पाया है। तो इस बार जो आपकी पूरी प्रस्तुति में गंभीरता थी, गहराई थी और एक ठहराव के साथ आपने रखा, और उसमें जिस बारीकी से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रही हैं और अपना मूल्यांकन कर पा रही हैं, बहुत ही बढ़िया रहा। ये भी देखने में आ रहा है कि ऑनलाइन मोड में भी वर्कशॉप अटेंड करते हुए परंतु भागीदारी करते हुए और जिम्मेदारियों को स्वीकारते हुए हम कितनी अच्छी गति कर सकते हैं कम समय में। तो दीदी ने कई सारी जिम्मेदारियां स्वीकार ली हैं और उसको बहुत ही निष्ठापूर्वक करने का प्रयास कर रही हैं। सुबह के सत्र में भी रहती हैं, वर्कशॉप में भी रहती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, न्यूज़ लेटर की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। तो ये सभी लोगों के लिए एक अच्छा संकेत है कि अगर हम स्वयं में मूल्यांकन करते हुए, अपने संस्कारों का अध्ययन करते हुए और उसमें परिमार्जन के लिए काम करते हुए, और दूसरे छोर पे भागीदारी करते हुए और भागीदारी से आगे बढ़कर जिम्मेदारियां स्वीकारते हुए लगते हैं तो हमारी बहुत अच्छी गति बनती है। और पूरी प्रस्तुति में आपकी काफी ईमानदारी रही, जहाँ जैसा देखा वैसा उसको रखा। कैसे हम जड़ वस्तुओं के प्रति भी आवेशित हो जाते हैं, मानव के प्रति भी आवेशित हो जाते हैं। छोटी छोटी घटनाओं में जो आशा हमारी बनी रहती है वो आशा पूरी नहीं होने से कैसे हम परेशान हो जाते हैं, हमारे अंदर शिकायत बन जाता है। कोई व्यक्ति हमसे मिले उससे पहले ही उस व्यक्ति को लेकर हमारी बहुत सारी शंकाएं बन जाती हैं। और ये देखें तो ये कॉमन चीज है जो आपने रखा, वो सभी मानव अपने आप में देख सकते हैं या ये सब चीजें होती ही रहती हैं। और इसका सीधा संकेत यह है कि चिंतन के स्तर पे अपने को ठीक से काम करने की जरूरत है, भाव में परिमार्जन की जरूरत है। ये भी ठीक बात आपने कही कि विचार को देखना हो पाता है परंतु विचार के पीछे भाव देखना ये कठिन काम लगता है, और ठीक बात है। इनफैक्ट भाव अगर स्पष्ट रूप से दिखने लगे तो आगे के स्टेप्स बहुत जल्दी पूरे होने लगते हैं। कई बार हमें भाव नहीं दिखता, अधिक से अधिक विचार दिखते हैं या विचार के साथ जो स्वयं की स्थिति है कि आराम में है नहीं वो दिख पाता है परंतु भाव नहीं दिखता, और इसीलिए भाव में परिमार्जन के लिए सघनता से जो काम हो सकता है वो नहीं हो पाता। तो बहुत ही बढ़िया दीदी, मैं आशा करता हूँ कि आप इस बारीकी को और इस गंभीरता को बनाए रखेंगी आगे भी। एक बात और मैं कहूँगा कि कई साथी या कुछ साथियों के साथ कई बार ऐसा देखने में आया है कि जब हम भागीदारी करते हैं तो उससे जो हमें परस्परता में सम्मान मिलता है उससे हम अपने मूल्यांकन में चूक करने लगते हैं, है ना, कई बार अधिमूल्यन में चले जाते हैं या दूसरे साथियों का मूल्यांकन करने लगते हैं। तो दीदी के आचरण में हमने ये भी देखा कि इन सब चीज़ों से बिल्कुल बची रही हैं, इस तरह की चूक नहीं हो पाई है, नहीं हुई है, और बहुत ही अच्छा संकेत है ये। हम सभी साथियों के लिए भी जरूरी है कि जब भी हम किसी कार्यक्रम में लगते हैं, निष्ठापूर्वक भागीदारी कर रहे होते हैं तो परस्परता में अनुकूलता भी बनती जाती है, सम्मान मिलता है, स्वीकृति मिलती है, उससे कई बार हम अपना अधिमूल्यन और दूसरे साथियों का अवमूल्यन करने लगते हैं, वो हमारी गति में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। फिर एक समय के बाद एक रोड़ा जैसा बन जाता है वो कि हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते, या फिर जब दूसरे हमारा मूल्यांकन हमारे सामने रखते हैं तो हम उसके बिल्कुल विरोध में आ जाते हैं। तो दीदी के साथ ऐसा कभी देखने में नहीं आया और बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा संस्कार है। तो बहुत ही शुभकामना दीदी, आप इसी तरह से अपनी गति को बनाए रखें और आगे काम करते रहें। बधाई।